हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेडली रिवगर गेमिंग में। मेरा नाम है रिवगर। तो आप लोगों को मेरी फटी बास जैसी आवाज़ सुनने का बड़ा शौक था, तो आप लोगों ने कहा है कि वॉइस ओवर करो, तो मैं फिर से वॉइस ओवर वाली वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो हम लोग जा रहे होते हैं पोचिंग की में, और यहाँ पे एकदम चिपक के गांड से गांड जोड़ के एक स्क्वाड भी आ रही होती है पीछे से। कौन है मिल जाते हैं यार, ये बढ़िया शॉट गन है। वॉच आउट, एनिमीज अहेड। तुमको गन मिली कि नहीं? वॉच आउट। गन लोगों ने तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट गन मिली होती, तो साहब भाई मुझे यहाँ पे एक एटीएम दे देते हैं और यहाँ पे मारपीट शुरू करेंगे। हर तरफ से गोलियों की आवाज आ रही थी। हमने एटीएम उठा दिया। इस वाले लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में तुम मार ना था। Watch out! Watch out! Watch out! वॉच आउट। इनके लास्ट बंदे को तो कोई और ही मार देता वहाँ पीछे वाले घर से। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे स्मोक स्मोक करके इसे लूट लिया जाए, फिर आगे चला जाए रश करने, क्योंकि अभी आगे बहुत फायरिंग चल रही थी। घुमाए चेक कर पाए अपने, तो पे लगाओ आगे बढ़ो। और इधर पहले इसमें और तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया एफपीपी लगा के आगे रश करने जा रहे होते हैं कि तब तक मुझे राइट से फुटस्टेप आती है, और तब तक ये फायरिंग भी मारने लगता है साहब भाई के ऊपर। तो इसे तो मैं मार देता हूँ। यहाँ पे मैं एफपीपी कोई स्टाइल दिखाने के लिए नहीं लगा रखा है, इसमें हम लोग थोड़ा हाथ सेट कर रहे हैं अपना, इसलिए यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ से इसका डब्बा लूटने के बाद हम लोग निकल लेते हैं आगे की तरफ। तो जब तक हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे फायरिंग वायरिंग सब बंद हो चुकी थी, एकदम सन्नाटा छा चुका था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते कि शायद कोई फुटस्टेप आए तो हम लोग उधर आगे बढ़े, अपना कार्यक्रम चालू करें। Watch out! Watch out! मैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस वाले बंदे पे टीपीपी ले रहा होता हूँ कि बाद में साहब भाई बताते हैं कि वो तो मर चुका था। मैंने यहाँ पे गेम खेलते समय कोई भी गत्ता नहीं फूका था। एक बंदे को मैं डोमिस नॉक करता हूँ, दूसरा बंदा मेरी मॉली से जल जाता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन्हें लूटते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो वहाँ पोचिंकी में हम लोगों को गाड़ी मिलती नहीं, तो हम लोग गाड़ी ढूंढते ढूंढते तो सड़क पे जा रहे होते हैं आराम से, लेकिन तब तक एक चीज मिलती है यहाँ पे हम लोगों को। Enemies ahead. Double banda isme. I got supplies.
I got supplies. ये कैंपर की बिटिया यहाँ पे इतना तगड़ा कैंप लगाए बैठी थी, लेकिन तब तक सैफ भाई को इसकी फुटस्टेप आ जाती है। तो मैं इस पर नेट बारी शुरू कर देता हूँ और इस पर इतने नेट फेंकता हूँ, लेकिन इसके पता नहीं कि कुछ होता नहीं। और लास्ट वाले नेट तो इसके मुंह पे फटा था, फिर भी इसे कुछ नहीं होता, खाली डैमेज होता है। तो ये एक HP बचा था तो AKM की एक गोली में मर जाता है ये। तो इसे लूटने फूटने के बाद में फिर हम लोग अपना गाड़ी ढूंढने के अभियान पर निकल पड़ते हैं। तो गाड़ी लेने के बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ फ्लेयर पर रश करने के लिए। इतनी अटपटी सी जगह पे इसने फ्लेयर चलाई थी बंदों ने, लेकिन यहाँ भी हम लोगों के साथ एक सस्ता चुतियापा हो ही जाता है। तो यहाँ पे इस बाइक की ब्रेक सही से लगती नहीं, और सैफ भाई जो है वो बाइक के साथ ही वहाँ खाई में चले जाते हैं। मैं यहाँ पे टाइम से जंप मार देता हूँ, इसलिए मैं ऊपर रह जाता हूँ। तो मैं इधर उधर देख रहा था कहीं बान हाउस में बंदे तो नहीं बैठे, और कहाँ कहाँ बंदे हो सकते हैं। तो मैं यही चेक कर रहा था, फिर मैं सोचता हूँ कि धीमे से आगे बढ़ा जाए। Watch out! Search for vehicles. तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं इस पत्थर से उस पत्थर पे कूद के चला जाऊं, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि ये चुतियापा है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने में, वापस वहां जाके रश मारने में इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। तो यहाँ पे जो नागिन पड़ी थी इसी ने यहाँ पे फ्लेयर चलाई होती है, खाली एक बंदा होता है। इसके चक्कर में हम लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, नौटंकी हो जाती है यहाँ पे। और इतना बड़ा कैंपर था कि इसने अपनी ही फ्लेयर को कैंप करके रखा हुआ था, इसने फ्लेयर लूटी नहीं थी। और इसकी सारी गनों में सप्रेसर लगा हुआ था ताकि आवाज तक ना आए कि कहाँ से लेट के मार रहा है ये। और मेरी किस्मत इतनी खराब चल रही होती है क्योंकि जोन बन जाता है मिलिट्री साइड का, यानी मुझे फिर से नीचे से पानी से होके जाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। तो हम लोग जोन में आ चुके थे, वहाँ पे हम लोग को एक गाड़ी मिल जाती है। तो हम लोग गाड़ी लेके फिर निकल लेते हैं, एक ड्रॉप गिरा होता है सरकारी वाला वहाँ पे। और यहाँ पे एक बंदा मुझे ओपन में दौड़ता हुआ दिखता है। Watch out! तो वहाँ पे उसे मारने के बाद हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं दूसरे ड्रॉप पे। एक और सरकारी ड्रॉप आ चुका था तो वहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे और बंदे मिलते हैं हम लोगों को। Marked a location. Watch out. Watch out. ये बंदे को डैमेज पड़ता है तो साला कंफ्यूज आ जाता है कि इसे जाना कहाँ पे, घुमा फिरा के गाड़ी हम ही लोगों के पास ले आता है साला चूतियों की तरह। इसका दूसरा बंदा अलग बग्गी में जा रहा था, वो हम लोगों से तो बच जाता है, लेकिन वहाँ पे दूसरी टीम मिल जाती है, वो उसकी गाड़ मार लेते हैं। मार्क द लोकेशन। उसके बंदे को मार दिया। मार्क द लोकेशन। मारो मारो मारो। जोन में नहीं, आराम से मारो, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे एक हेड खाने के बाद वो समझ जाता है, उसकी गांड फट जाती है, तो दोबारा खोपड़ी दिखाने ही बंद कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से बग्गी की लेके फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहा होता है। और मेरी M4 में जो है सप्रेसर लगा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि पीछे बंदे पड़ा है, उसके डब्बे से मजल कोई दूसरा ले लूँ, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं होता। और तब तक वो बंदे वहाँ से गाड़ी वाड़ी लेके निकलने लगते हैं। तो वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं, तो हम लोग वहाँ से फटाफट जोन के लिए निकल लेते हैं। वहाँ के पहले से ही एक बढ़िया सा एंगल पकड़ लेते हैं यहाँ पे। Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! यहाँ पे आने का मुझे फायदा हो जाता है, यहाँ पे वो बंदे बाद में आ रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे उसके दो बंदे तो खत्म कर देता हूँ, बस वो लास्ट बंदा बचा था। यहाँ पे भी मैंने वीडियो के स्पीड बढ़ा दिए दिखाने के लिए कि वो बंदा कितना बड़ा प्रो फ्लैंकर था। यहाँ पे हम लोगों को पूरा टाइम यही लग रहा था कि वो बंदा उधर ही से आएगा, क्योंकि वही एक बढ़िया जगह है जहाँ से वो आ सकता है, तो हम लोग वहीं पे नेट वेट सब करते रहे। लेकिन वो बंदा इतना बड़ा प्रो फ्लैंकर था कि वो पूरा फ्लैंक मार के जोन के बाहर से होते हुए हम लोगों के पीछे आ जाता है, मुझे यहाँ पे नॉक भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे सैफ भाई मुझे कवर फायर दे देते हैं, उस बंदे को खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे चिकन मिल जाता है हम लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आया हो, उस बंदे का फ्लैंक पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर और भी ऐसे गेम प्ले देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।